हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप आज तक आप लोगों ने कभी चम्मच का यूज़ किया, इस तरीके से मोजे पहनाए हैं, चम्मच को नहीं पहनाए ने, तो अभी पहना लीजिए और चम्मच को मोजा पहना के फटाफट से सारे काम आपके चुटकियों में बैठने वाले। कैसे? तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे, एक भी टिप्स अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया टिप्स कौन सा लगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टिप्स लाती रहूँगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जो पहली किचन टिप्स है, बहुत ही काम की है आप लोगों की। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्याज और आलू जब हम खरीद के लाते हैं तो उनको एक ही साथ एक ही बास्केट में रख देते हैं, और उससे क्या होता है कि आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं, प्याज भी जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था। तो मेरे पास एक बड़ी बास्केट थी, तो उसमें ही मैं साथ में एक साइड आलू रख देती थी, एक साइड प्याज रख देती थी। तो उससे क्या होता था, बहुत ही जल्दी, जैसे कि अगर आलू तो आपको पता है कि बहुत टाइम तक चलते हैं, प्याज भी चलती है, दूसरी सब्जियों की तरह ये ख़राब नहीं होती है, लेकिन उससे क्या हुआ, ये बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगी। तो मुझे पता चला सोशल मीडिया से ही कि प्याज और आलू को एक साथ रखने से आलू और प्याज बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तब से मैंने इनको अलग अलग रखना शुरू कर दिया है और मेरे प्याज और आलू बहुत समय तक चलने लगे हैं। तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में जल्दी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। तो आप इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो अक्सर क्या होता है, पहले तो हम एक सिल्वर फॉइल का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, करीबन आधी चमची छोटी वाली होगी तो चलेगा। तो चलिए डाल देते फटाफट से इसमें आधी चमची छोटा नमक, और इसका हम बनाएंगे एक पोटली, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से चारों साइड से पैक कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि पोटली बना के क्या हो रहा है, तो चलिए बताती हूँ। इसकी अच्छे से इसको पोटली बनाना है और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ही काम की टिप्स है जो कि आप लोगों को बहुत सारा काम फटाफट से निपटा देगी। कैसे, तो चलिए देखते हैं। क्या करते हैं, जब हम फ्रिज में बहुत सारा सामान एक साथ रख देते, कोई कच्ची सब्जी, पकी सब्जी, सारी चीज़ें, तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, सारी चीज़ों की मिक्स स्मेल बहुत अजीब सी आने लगती है। तो हमें क्या करना है, जो हमने पोटली बनाई है उसको इसमें रख देना है, और इसको हम हटाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्रिज को क्लीन करो तब आप इसको हटा देना, दूसरी पोटली इस तरीके से बना के रख देना। उससे क्या होगा कि फ्रिज में जो बैड स्मेल होती है वो सब हट जाएगी। और ये देख लीजिए, ये हमारे जो एक डीओ है, मतलब थोड़ा सा सेंट है, छोटा पाउच आता है वो, और जब कभी हम बाहर जाते हैं तो सेंट का यूज़ करके जाते हैं, लेकिन जब सेंट का खुशबू एक घंटे चलता है, दो घंटे चलता है, और वो ख़त्म हो जाता है, और उसकी जो खुशबू होती है वो चली जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि सेंट लगाने से फ़ायदा ही क्या है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कि कोई भी सेंट हो उसकी खुशबू बहुत समय तक रहेगी, लगभग 12 घंटे रहने वाली है। तो इस तरीके से हम वैसलीन या फिर बॉडी लोशन ले लेंगे और यहाँ पर हमें कलाई पर लगा लेना, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर सेंट। तो ये वाला जो सेंट है, परफ्यूम है, ये करीबन 12 घंटे चलेगा, बिल्कुल भी यहाँ से हटने वाला नहीं है, खुशबू आती रहेगी। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और कपड़ों पर तो हमें नॉर्मली लगाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ों के ऊपर हम वैसलीन नहीं लगा सकते, इसलिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो ये है कॉटन। तो आप लोग सोच रहे हो कि कॉटन का क्या करने वाली हूँ, तो चलिए इस पर भी हम स्प्रे लगा देते हैं। पहले तो अब सोच रहे होगे कॉटन पर स्प्रे लगा के क्या होगा, उससे इतना अच्छा काम होने वाला है। बारिश में जो परेशानियाँ होती हैं ना, सारी परेशानियों का हल है ये कॉटन। कैसे, तो इस पर पहले मैंने स्प्रे कर दी है अच्छे से, और इसके हम करेंगे चार टुकड़े, और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चारों गोलियां बनाने के बाद हम इसका कैसे यूज़ करेंगे वो आप लोग शायद समझ गए होंगे कुछ लोग, तो और जो लोग नहीं समझे उनको मैं समझाने के लिए बैठी हूँ ना। तो चलिए फटाफट से बताती हूँ आप इनका क्या करना है। चारों गोलियों को हम ले लेंगे और फिर चलिए इनका इस्तेमाल करके आप लोगों को बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम कपड़े घरी करके रखते हैं, देखो कितने भी कपड़े सूखे हों, जब बरसात का समय आता है तो अक्सर कपड़ों में से बैड स्मेल आने लगती है, बहुत ख़राब सी स्मेल आने लगती है। तो हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, हम ये अलमारी में भी इसको रख देंगे,
तो अलमारी में भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो अलमारी में भी जगह जगह सरीके से हम रख देंगे ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब हम अलमारी को खोलेंगे तब। और कपड़े में बदबू आना नॉर्मल बात होती है, नॉर्मल आती ही है। तो चलिए, और इस तरीके के ईयरिंग्स हर किसी पे मिलते हैं, ये देख लीजिए। हर कितनी लड़की हो चाहे मतलब औरतें हों, सबके पास इस तरीके से ईयरिंग मिलते हैं। और उनके जो ऊपर के ये कुंदे होते हैं ना, ये अक्सर काले पड़ जाते हैं और इनमें जंग भी लग जाती है। तो इनको हम क्या करेंगे, तो कोई भी आप जो तेल है आपके पास, जो भी आप डाबर आमला यूज़ करते हो, गरी का करते हो, सरसों का करते हो, जो भी करते हो, वो तेल लेकर इस तरीके से इस पर लगा देना है जो कुंदे हैं इसके, उसके ऊपर जैसे आप लाए हो मार्केट से वैसे ही इसके ऊपर लगा दोगे ना, तो बिल्कुल भी इस तरीके से आप इसके जो हुक हैं उन पर आप इस तरीके से तेल लगा दोगे ना, तो ना तो ये काले पड़ेंगे और ना ही इनमें जंग लगेगी, और ये आपके सालों साल चलेंगे, ख़राब नहीं होने वाले। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, जो बाहर से बिल्कुल भी ईयरिंग्स लेकर आती हूँ जो ऐसे वाले होते हैं ना, तो उनको मैं ऐसे तरीके से रख देती हूँ। फिर आप इस तरीके से लगा के इनको किसी भी बॉक्स में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले, बिल्कुल भी काई नहीं लगने वाली, बिल्कुल भी जंग नहीं लगने वाली। अच्छा लगे वीडियो एक लाइक कर देना, और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि है हमारे इस तरीके से मोजे को, मतलब चम्मच को मोजा पहनाना। तो ये देख लीजिए, बहुत लोग चम्मच का यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, तो आज मैं आप लोगों को कैसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप देखकर चौंक जाओगे। तो आप लोग सोच रहे हो क्या, तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। आपने चम्मच को मोजा पहनाना, आपके पास जो पुराना मोजा पड़ा हो, मतलब जिनका आप यूज़ नहीं करते हो पहनने के लिए, छोटे बहुत फट जाते हैं तो उनको हम ऐसे ही रखे रहते हैं या फिर फेंक देते हैं, तो पुराना मोजा हो ना आपके पास, इस तरीके से चम्मच ले लेना है और चम्मच को इस तरीके से उल्टे साइड से इस तरीके से मोजा पहनाना, ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से करना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। और उसका जो ऊपर का साइड है उस पर हम गांठ लगा देंगे। तो ऐसा काम बताने वाली हूँ जो इजीली नहीं होता, उसको करने को बहुत मुश्किल लगता है, वो काम इस चम्मच के और इस मोजे से इतना ईजिली हो जाएगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा हमारा काम कब निपट गया। तो चलिए, इसको अच्छे से हम गांठ लगा के इसको पैक कर देंगे चम्मच को मोजे के अंदर, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं अब इसका हम करने क्या वाले हैं। तो ये देख लीजिए, ये है खिड़की, यहाँ पे इसको क्लीन करना इतना ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसको हम इस तरीके से क्लीन करेंगे, जितना भी इसमें कचरा है या फिर जाला लगा है या फिर कुछ भी चीज़ें, बहुत ईजिली इससे क्लीन हो जाती है, ये देख लीजिए। इसको वैसे तो इसको क्लीन करना बहुत परेशानी वाला काम होता है, लेकिन आप इस तरीके से इसको बहुत ईजिली कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो इस तरीके से उसको आप इससे कर सकते हो, ये देख लीजिए। अगर अच्छा लगा वो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।